हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति तिवारी। आज मैं आप लोग का ब्यूटीफुल सा हेयर स्टाइल शेयर करने वाली हूँ, जो कि एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके की न्यू न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। तो चलिए जल्दी से हेयर स्टाइल को स्टार्ट करते हैं। कैसे करना है सब कुछ वीडियो में देखने को मिलेगा आपको, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। सेकंड चैनल पे जरूर जाइए, सेकंड चैनल का नाम है प्रीति तिवारी 2, जिसपे मैं सिलाई से रिलेटेड ऑल वीडियोज अपलोड करते हैं। तो ड्रेस डिजाइनिंग से रिलेटेड एंड शॉर्ट्स चैनल है मेरा, शॉर्ट्स वीडियो बाय प्रीति तिवारी। तो वहाँ पे मैं अपनी आवाज में मोटिवेशनल वीडियोज अपलोड करते रहती हूँ, तो वहाँ पे भी जरूर चले जाएगा। तो चलिए, जो हेयर स्टाइल है वो था क्या है देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक पफ बनाना है, ओके। पफ के लिए मैंने पूरा हेयर टू हेयर पार्टीशन करके हेयर को लिया है एंड हल्का सा आगे की तरफ पुल करेंगे एंड पफ बनाएंगे। उसके बाद इसको टिक टैक क्लिप से सिक्योर कर लेंगे। क्लिप के ऊपर क्लिप लगाएंगे तो आपका जो पफ है वो सरकेगा नहीं और अपनी जगह से इधर उधर नहीं होगा। इस तरीके से कर लिया है। अब आपको क्या करना है, अपने सारे बालों की एक पोनी बना लेनी है। रबड़ बैंड को लगाएंगे। ओके, ज्यादा ऊंचा पफ नहीं बनाया है, आपकी मर्जी। आपको ऊंचा करना होगा तो आप कर सकते हो। अब आपको एक मैसी बनाना है यहाँ पे। मैसी बन भी बनाना है, साथ में आपका बन काफी बड़ा दिखे है, छोटे पतले हल्के बाल है तो आपको इसके लिए एक डोनट बन यूज करना होगा। ओके, डोनट बन को कुछ इस तरीके से लगाएंगे। वैसे मैंने ये हेयर स्टाइल पहले भी अपलोड किया है, बट शायद जिन्होंने रिक्वेस्ट किया है उन्होंने नहीं देखा होगा, तो उसके लिए दोबारा से मैं बना दे रही हूँ। इस तरीके से आपको यूपी नेक अटैच कर लेना है यहाँ पे। अब सारे बालों को इस तरीके से डोनट बन के ऊपर फैला लेना है, अच्छे से डोनट बन हाइड हो जाए। उसके बाद फ्रंट साइड से हेयर को लेंगे एंड फोल्ड कर इस तरीके से ट्विस्ट करते जाएंगे। मैसी बन बनाना है तो बहुत ज्यादा इसको सिल्क सा लुक मत दीजिएगा, मैसी लुक रहने दीजिए एंड ट्विस्ट करते जाएंगे। ओके, अब यू पिंस की मदद से पूरे बन को सिक्योर कर लेंगे। यू पिन लगाते टाइम ध्यान दीजिएगा कि यू पिन आपके डोनट बन के साथ ही लगे, डायरेक्ट हेयर मत लीजिएगा, डोनट बन लेके फिर लगाइएगा।
तो ऑलमोस्ट हमारा हेयर स्टाइल डन है। अब जहाँ से भी आपका लग रहा है कि पफ थोड़ा नीचे चला गया है, उसको इस तरीके से खींच लीजिएगा। ये जो हेयर स्टाइल है ये ऑफिस गोइंग गर्ल्स के लिए काफ़ी बेस्ट रहेगा एंड काफ़ी अट्रैक्टिव और अच्छा दिखता है। तो ऑलमोस्ट हमारा हेयर स्टाइल डन है। जिन्होंने भी कमेंट किया था, मैसेज रिक्वेस्ट की थी कि मैम हाई बन बताइए, मैसी हाई बन पफ के साथ बताइए, उनकी रिक्वेस्ट आज कंप्लीट हो गई है। और कैसा लग रहा है आपको हेयर स्टाइल? आई होप कि पसंद आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा। ये बैक साइड का लुक है, ये फ्रंट का है, ये साइड से है और इस तरीके से अगर आपने लेयर कट करवाया है तो इस हेयर स्टाइल में और चार चांद लग जाएंगे एंड मतलब बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा ये। तो लेयर्स भी ज़रूर निकाल लीजिएगा। तो कैसा लग रहा है? थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट हेयर स्टाइल के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।